जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ नमस्कार। न्यूज क्लिक पर मैं अभिसार शर्मा आपके सामने। गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी या सरेंडर होने पर सबसे बड़ी पड़ताल ला रहा हूं और मैं आपको बता दूं मेरे साथ तीन खास मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के फॉर्मर एडीजी डॉक्टर विक्रम सिंह होंगे, साथ ही कांग्रेस की तरफ से पंखुड़ी पाठक और समाजवादी पार्टी की तरफ से मेरे साथ होंगे अनुराग भदौरिया। मगर सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये तस्वीर देखिए। यहां पर आप देख सकते हैं कि गैंगस्टर विकास दुबे बहुत ही आसानी से महाकाल मंदिर के सामने फोटो खिंचवा रहा है। दरअसल ये फोटो एक करारा तमाचा है उत्तर प्रदेश पुलिस के मुंह पर कि किस तरह से आसानी से ये शख्स कानपुर में दो दिन रहता है, उसके बाद वो फरीदाबाद जाता है कथित तौर पर करीब 500 किलोमीटर सफर तय करके, और उसके बाद वहां से वो 800 किलोमीटर का सफर तय करके उज्जैन आता है और उज्जैन में महाकाल मंदिर के दर्शन करने के लिए घुसता है और इस तरह से फोटो अपॉर्चुनिटी करता है। मगर जब वो पकड़ा जाता है या वो सरेंडर करता है तो जबरदस्त ड्रामा होता है। देखिए किस तरह से वो मीडिया के सामने ये चिल्ला रहा है कि मैं हूं विकास दुबे कानपुर वाला। जी हाँ, पुलिस ने एक तमाचा भी पीछे रसीद कर दिया। काश उत्तर प्रदेश पुलिस या पुलिस ने इस तरह के कड़े तेवर उस वक्त अपनाए होते जब इस शख्स की दबंगई चल रही थी। क्या यह सरेंडर था या गिरफ्तारी थी? मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो देखिए जिसमें वो बहुत ही प्यार से बाहर चलकर आ रहा है। इस वीडियो को देखिए और आप खुद इस बात का जवाब दीजिए कि क्या इसे गिरफ्तार किया गया है या इसने सरेंडर किया है। एक अपराधी जिसने 8 पुलिस वालों को मार दिया, वो इतनी आसानी से चलते हुए बाहर आ रहा है मानो कोई वीआईपी हो। क्या इस तस्वीर का कोई जवाब है वहां की सरकार के पास? और शिवराज सिंह चौहान इस ट्वीट में क्या कहते हैं कि मैं उज्जैन पुलिस को बधाई देता हूं। अभी तो यह भी स्पष्ट नहीं होता हुआ है कि उसने आत्मसमर्पण किया या फिर उसे आपने अरेस्ट किया है। मैं आपको बता दूं कि लखन यादव जो कि वहां पर गार्ड थे उन्होंने क्या कहा, आपके सामने उनका यह बयान। कैसे हम लोगों को पता चला, पहले तो हमने विकास दुबे का जो फोटो देख रखा था हम लोगों ने, तो हम लोगों को लगा यहाँ महाकाल के दर्शन करने आया। 2 घंटे तक पहले हमने इंक्वायरी किया उसका, उसके हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी को बताया, हमने पुलिस कस्टडी को बताया, अभी इंक्वायरी चल रही है। कितनी बजे आएगी? नहीं, ये 7 बजे के लगभग आया, कोई पीछे वाले गेट से आने की कोशिश की उसने, तो हम लोगों ने देखते हुए उसको संदिग्ध मानते हुए। दर्शन कर चुका था क्या वो? नहीं, दर्शन नहीं, दर्शन करने जा रहा था। हम लोगों ने सीसीटीवी देखते हुए उसको 2 घंटे तक इंक्वायरी किया। कौन कौन था आपके साथ? हमारे सिक्योरिटी टीम 8 लोग थे, हम सब लोग देखते हुए। हम लोगों ने, वो अकेला ही था जी? वो अकेला ही था जी? हाँ, वो 2-3 लोग थे पर शायद पता नहीं चल पाया, अकेला पकड़ में। फोर व्हीलर है उनको पकड़ के कहा, अभी पुलिस कस्टडी में रखा गया, उन लोगों की इंक्वायरी की जा रही है, अभी देखते हैं क्या। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र भी सामने आए और उन्होंने अपनी बात रखी। बड़ा हो, हमारी पुलिस छोड़ती नहीं है किसी को भी, और विकास को भी पकड़ा है, गिरफ्तार कर लिया है, हमारी कस्टडी में है वो। सर क्या खबर मिली, कैसे ये पूरा ऑपरेशन हुआ? अब इंटेलिजेंस की बातें सीधी नहीं बताना चाहिए अभी फिलहाल, उसके मर्म तक पहुंचने के बाद बताएंगे। मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हमने गिरफ्तार किया है, हमारी कस्टडी में है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि नरोत्तम मिश्र पर कांग्रेस ने सीधा हमला बोलना शुरू कर दिया है। आप देखिए दलित कांग्रेस का ये ट्वीट, इसमें वो बता रहे हैं कि दरअसल नरोत्तम मिश्र लोकसभा में कानपुर जो है वो उनके जिम्मे था, तो कहीं ना कहीं विकास दुबे जो कि कानपुर का रहने वाला है और नरोत्तम मिश्र, दोनों के बीच में लिंक कायम करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है जिसके फिलहाल कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। मगर जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अभी भी ये तमाम सवालात हैं जिनके जवाब दिए जाने बाकी हैं, और वो सवाल मैं आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से रख रहा हूं। सवाल नंबर 1, पूर्व एसएसपी आनंद देव तिवारी की नरमी,
क्योंकि देवेंद्र मिश्र ने उनको खत लिखा, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। बाद में एसटीएफ का इंचार्ज आनंद देव तिवारी को बना दिया गया। मीडिया में जब थोड़ा हल्ला होता है, सोशल मीडिया में जब हल्ला होता है, तो फिर इन्हें पद से हटा दिया जाता है। आखिर ये शख्स देवेंद्र मिश्रा पर की लेटर पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा था, इस पर नरमी क्यों? मुद्दा नंबर दो, नौकरशाहों के रिश्तेदारों के साथ विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी की तस्वीरें। हम ये नहीं कहते कि इससे गुनाह साबित हो जाता है, मगर ये शख्स आसानी से, चाहे अनंत देव तिवारी फॉर्मर एसएसपी हों या फिर कई बड़े बड़े नौकरशाह हों, उनके साथ तस्वीरें कैसे खिंचवा रहा था? इतनी आसानी से आखिर ये शख्स राज्य पार कैसे कर रहा था? कानपुर में दो दिन रहा, उसके बाद वो हरियाणा गया और हरियाणा से फिर मध्य प्रदेश। और दिलचस्प बात क्या है, आपने देखा होगा जिन जिन जगहों पर गया ये कथित तौर पर, ये तमाम जगह बीजेपी शासित राज्य थे। क्योंकि अगर आप इस वक्त भारत के मानचित्र पर यूपी का जो पूरा प्लेसमेंट देखें, तो उसकी झारखंड के साथ सीमा है, उसकी राजस्थान के साथ सीमा है, छत्तीसगढ़ के साथ सीमा है, मगर ये शख्स जो है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में जा रहा था। सवाल ये भी उठता है कि बताया जा रहा था कि वो साइकिल से भागा था खेतों के बीच से होते हुए, दो दिन तक कानपुर देहात में आखिर कैसे रह रहा था? और यही नहीं, तस्वीरें इस तरह से सामने उभर कर आई थी कि वो कैसे राज कचौरी जो है फरीदाबाद में खा रहा था। अहम सवाल आपके सामने, अगर उत्तर प्रदेश पुलिस हाई अलर्ट में थी तो ये एनसीआर से यूपी में दाखिल होकर मध्य प्रदेश कैसे पहुंच गया, बताइए। इस वक्त तो कोरोना संकट को लेकर वैसे ही पुलिस जो है वो हर जगह सख्ती बरत रही है, तो फिर ये फरीदाबाद से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश कैसे पहुंच गया? अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ने अपने तल्ख देवर अपना लिए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग बधौरिया का क्या कहना है, ये सुनते हैं। कितनी आसानी से विकास दुबे ने, अपराधी विकास दुबे ने, वो जैन में जाके मंदिर में सरेंडर कर दिया और हाथ मलते रह गए पुलिस वाले और उत्तर प्रदेश की सरकार हाथ मलती रह गई। ये है, ये तमाचा है आपके ऊपर में। और अब तो वक्त आ गया है कि वो जो कॉल डिटेल निकाल के सार्वजनिक की जाए, किस किस से संपर्क में था, किस अधिकारियों के, नौकरशाहों के संपर्क इसके रिश्ते रहे हैं, किस नेताओं के साथ इसके रिश्ते रहे हैं, ये अब पब्लिक के सामने आना चाहिए। पब्लिक जानना चाहती है कौन नौकरशाह और कौन नेता इसको बचाते रहे हैं और कौन नौकरशाह कौन नेता के साथ इसके घनिष्ठ संबंध रहे हैं, ये डिटेल पब्लिक आनी चाहिए। नहीं तो बहुत गंभीर मामला है ये। अगर ये पब्लिक में नहीं आई ये डिटेल, तो समझो उत्तर प्रदेश में अपराध इसी तरह से बचते रहेंगे, अपराध होता रहेगा और पुलिस हाथ मलती रहती रहेगी। इसी तरह से अपने तेवर तल्ख कांग्रेस कर रही है, उनके नेता पंखुरी पाठक मेरे साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। अभी सर, जैसा कि अब सामने आ रहा है कि विकास दो दिन कानपुर में ही छुपा था, उसके बाद दिल्ली एनसीआर जाता है, वहां से मध्य प्रदेश पहुंच जाता है, उज्जैन में खुद जाकर मंदिर में दर्शन के बाद कहता है कि मैं विकास दुबे हूं, सिक्योरिटी गार्ड से कहता है पुलिस को बुला लीजिए, मैं सरेंडर करना चाहता हूं। इससे ये समझ में आता है कि जो प्रशासन पे जो उसकी पकड़ है वो बहुत ऊंची है। जो उसके संबंध हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि या तो उत्तर प्रदेश पुलिस को पहले दिन से ही गुमराह किया जाता है, उत्तर प्रदेश पुलिस ये जान ही नहीं पाती कि विकास दुबे कहां पर है, उसको बचाकर उज्जैन पहुंचाया जाता है, या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस भी ये चाहती थी कि विकास जहां चाहे जब चाहे वहां वो सरेंडर करे। क्योंकि ये तो साफ है कि पिछले 5 दिनों में जो भी हुआ वो विकास दुबे के मुताबिक हुआ, उसने अपनी मनमर्जी से सरेंडर किया। इन दोनों ही हालातों में बहुत बड़े सवाल उत्तर प्रदेश की सरकार पे उठते हैं, प्रशासन पे उठते हैं, पुलिस पे उठते हैं, जहां पुलिस इतनी कमजोर हो गई कि पहले तो विकास दुबे ने जैसा चाहा पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी, उसको वहां पे नहीं पकड़ा जा सका और 5 दिन बाद भी उत्तर प्रदेश पुलिस नाकाम थी उसको पकड़ने में और उसने अपनी शर्तों पे आत्मसमर्पण। तो हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के फॉर्मर एडीजी विक्रम सिंह जी। विक्रम जी, विकास दुबे पकड़ा गया मगर अभी भी रास्ते में टायर खराब हो सकता है। मैं जो आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, एक शख्स कानपुर में 2 दिन रहता है, उसके बाद फरीदाबाद जाता है जो कि करीब 500 किलोमीटर है, और फिर वहां से 800 किलोमीटर ट्रैवल करके, क्या संभव है बगैर सरकारी मदद के, बगैर मिलीभगत के, बगैर इनपुट्स के ये शख्स इतनी आसानी से ट्रैवल करता?
नहीं, मदद इनको जरूर मिली है, आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया। कुछ मदद हमारे विभाग ने की है, कुछ मदद आपके विभाग ने की है, क्योंकि आज कुछ ना कीजिए, टीवी खोल लीजिए, आपको रनिंग कमेंट्री मिलती रहेगी कहाँ कौन क्या कर रहा है। और हम लोग भी इतने नादान हो गए हैं कि अपनी न्यूजेषणा की वजह से कि जितने पत्ते हमारे हैं हम सब खोल के बता देते हैं, कम से कम कुछ तो भ्रम पैदा करो, क्योंकि भ्रम भी एक युद्ध कौशल है। अगर पूरब जाना है तो पश्चिम के दो, आपके तो इंटेस्टाइन्स में जो कुछ सब आपने बता दिया न्यूज़ को, उसको हमसे ज़्यादा जानकारी है कि हम करने क्या वाले हैं पुलिस वाले। तो ये चीज़ इस तरह परहेज करें, ये भी एक नसीहत वाली है। सारे पत्ते न खोला कर बस कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उसको अच्छी जानकारी थी। लेकिन ये संतोष का विषय है अभिसार जी, क्योंकि मैं 1981 में नथुआपुर कांड हुआ था, जिला एटा में पूरा अलीगंज थाना मार दिया गया था, इंस्पेक्टर राजपाल सिंह और 13 पुलिसकर्मी, मैं उसके बाद SSP होकर के गया, बीन बीन के सबको मारा गया, छविराम पोथी, महावीरा, शिवराज नक्से, लेकिन 6 महीने लगे थे। तो कहाँ 6 महीने और कहाँ 6 दिन, बहुत अंतर आ गया। तब TV नहीं हुआ करता था, तो इसलिए शायद मुझे ये लाभ मिला कि हम क्या प्लान कर रहे हैं उस तक नहीं पहुंचता था। लेकिन आपका कहना सही है, संदेह तो ही है कि इतने बड़े शिकंजे के बाद आखिर वो कहाँ से कहाँ, यहाँ से फरीदाबाद, फरीदाबाद से उज्जैन, कैसे गया, कहाँ से गया, ये तो विचारणीय ही है। विक्रम जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि देवेंद्र मिश्र, जिन्हें बहुत ही बेरहमी से विकास दुबे ने कथित तौर पर मौत के घाट उतारा, वो फॉर्मर SSP कानपुर को लेटर लिखते हैं, उस लेटर पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, बाद में इन्हीं को टास्क फोर्स का हेड भी बना दिया जाता है, और जब ये तमाम चीजें सार्वजनिक होती हैं तो उन्हें हटा भी दिया जाता है। साफ तौर पर ऐसा लग रहा था कि एक बहुत बड़ा धड़ा पुलिस का मानो विकास दुबे के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, क्या कहेंगे आप? सही निष्कर्ष, पूरा थाना लाइन हाजिर किया गया। मैं तो ये समझता था कि पूरे थाने का डिसमिसल होना चाहिए था अनुच्छेद 311 के अंतर्गत। और जो बिंदु आपने उठाया अभिसार जी, इसमें क्षमा का कोई खाना नहीं है। मेरा पुत्र, मेरा सगा भाई, मेरे पूज्य पिताजी भी अगर होंगे तो उनका वही स्थान होगा जो मुलजिम का होता है। इसमें दोस्ती नहीं चलती है, क्योंकि हम एक काम के लिए यहाँ आए हैं, और वो काम है कानून का निष्पक्ष अनुपालन। और अगर चिट्ठी की अनदेखी की गई है, इसको पुलिस भी कहते हैं गाय का गोश्त खाने के बराबर, अपराध से भी ऊपर अगर कोई श्रेणी होती है अपराध की, मैं इसको पाप कहता हूँ, अपराध नहीं कहूँगा, अपराध तो बहुत छोटा होता है, ये पाप अगर कोई होता है कि हमने भेजी की दी अधीनस्थ के बारे में कदाचार, अनाचार, दुराचार की, उसको हमने ठंडे बस्ते में, नमक हलाली का वास्ता तो देखिए, जब सिर्फ कार्रवाई नहीं हुई बल्कि उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी संस्कृति रहेगी, जो भी IAS, IPS, राजनेता, MLA, MP, व्यवसायी, बिजनेसमैन हो, जो कि हैं, अब उनको बख्शा ना जाए। कानून ये कहता है गैंग चार्ट बनता है, और गैंग मेंबर्स की वही सजा होती है जो गैंग लीडर की होती है। तो जो सजा विकास दुबे और उसके गैंग मेंबर्स की है, वही सजा इन IAS, IPS राजनेताओं की भी होनी चाहिए। देश और प्रदेश कुर्बानी मांग रहे हैं। बिल्कुल विक्रम जी, और लगातार उसका जो खजांची है जय वाजपेयी, उसके साथ सेल्फीज, फोटोग्राफ्स, कई इन्फ्लुएंशियल नौकरशाहों की निकल के आ रही है। अनंत देव तिवारी, जिन्हें हटा दिया गया, हालांकि उनके साथ बाकायदा कई फोटोज अलग अलग एंगल्स में दिखाई दी हैं, वो अनंत देव तिवारी जिन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, ये तमाम चीजें हैं बहुत ही कल्पना से विचित्र हैं। बिल्कुल आपने सही कहा अभिसार जी, हम लोगों को जब शिक्षा दी थी हमारे 3 TT के उस्ताद आलमगीर खान, उन्होंने ये कहा था कि सर आप जब जा रहे हैं, सरकार आपको इस गरीब मुल्क में इतना देती है कि आप छोटे मोटे महाराज की तरह रह सकते हैं, राजा की तरह रह सकते हैं, लेकिन आपको रहना कैसे है, जैसे ब्राह्मण की विधवा गांव में रहती है, किसी से न मिलना, न जुलना, किसी से न तोहफे देना, न किसी से तोहफे लेना, न किसी के आना, न किसी के हाथ जाना। ये एक हेड कांस्टेबल अशिक्षित अंगूठा था, वो उसने हमको ये शिक्षा दी, बड़ी कीमती शिक्षा थी। आपको क्या मजबूरी थी गले में बांट, लेकिन सब कही कहते हैं साहब मैं तो सार्वजनिक पद पे, कोई आके सेल्फी के दौरान मना कर दीजिए। जब तक आप किसी को 10 साल से नहीं जानते हैं, उससे सामान्य शिष्टाचार, पारिवारिक संबंध और सेल्फी लेने का कष्ट जहमत न करें, किसके पेट में क्या है, ये फिर आगे बहुत महंगा पड़ेगा। यही नहीं विक्रम जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि विकास दुबे ने अपने पूछताछ में 2 BJP विधायकों से रिश्ते की बात की, 2001 में उसने एक BJP के राज्यमंत्री को घुसकर थाने में मार दिया 25 गवाहों की मौजूदगी में, ये भी खबरें आ रही थी कि किस तरह से, मेरे सामने 2001 का वो एक अमर उजाला की खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के गुटबाजी के चलते
वो कहीं ना कहीं मोहरा बना हुआ था एक नेता द्वारा दूसरे नेता को टारगेट करने के लिए। विकास दुबे कहता था कि मैं मायावती को निजी तौर पर जानता हूं। पॉलिटिकल लिंक्स इस शख्स के जिस तरह से थे, क्या यही वजह है कि पिछले 20 सालों से ये बना हुआ था, इस पर किसी ने हाथ तक नहीं रखा? हाथ नहीं डाला, इसका एक कारण है भ्रष्टाचार। बहुत और भी नजदीकी होंगे लेकिन उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, क्योंकि शायद भ्रष्टाचार का वो स्तर नहीं हो पाया। आजकल केवल एक ही कारण है कोई कार्य करने न करने का, लाभ। लाभ पे बड़े आ की मात्रा और भ। तो जैसे आप दुकानों पे नहीं देखते हैं, मैंने देखा था कई दुकानों पे शुभ लाभ। एक रिटायरमेंट के आखिरी दिन जब मैं गया था, मैंने एक थाने पे भी देखा था शुभ लाभ। हमने कहा ये यहाँ क्यों लगा है? दुर्गा जी की मूर्ति लगी हो हनुमान जी की समझ में आया, लेकिन शुभ लाभ जब लग गया, मैं बड़े समय से भगवान तुमने मुझे रिटायर कर दिया कि लक्ष्मी का पूजन करने के युग में कम से कम मैं आज रिटायर हो रहा। लाभ जो जितनी बड़ी रिश्वत दे दे उतना ही ज्यादा काम उसका होगा। तमेव माता च पिता कह के आरती के थाल लेके पहुंच जाएंगे। और वही चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा, इसका पटाक्षेप तो आज हो गया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं जिसका नाम ये ले उसके खिलाफ भी वही कार्रवाई हो। और ये बीमारी कैंसर की टर्मिनल स्टेज वाली है, ये मामूली सर्जरी से जाने वाली नहीं है। जो हर ब्लॉक प्रमुख में, हर ब्लॉक में और हर पंचायत में इस तरीके के अराजक तत्व हैं, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? ठीक है, इनके केस में तो शिशुपाल के 99 गुना महाकाल ने, भगवान नारायण ने माफ कर दिए थे, 100 गुना के ऊपर उनका काम तमाम हो गया। उम्मीद करता हूं कि इनका भी अब हिसाब किताब, बही खाते का हिसाब का समय आ गया है। आखिरी सवाल, क्या आप मानते हैं कि जो वादा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया मुक्त करने का किया था उत्तर प्रदेश से, वो पूरी तरह से बेमानी दिखाई दे रहा है? क्योंकि देखिए ना, माफिया मुक्त है उत्तर प्रदेश, और सबसे दुख की बात ये, साठ गांठ जिस तरह से नौकरशाहों, राजनेताओं तमाम इससे दिखाई दे रही है, तो ये माफिया मुक्त होने का दावा कितना हल्का, कितना जिसे कहते हैं खोखला दिखाई दे रहा है। आपके सवाल के दो प्रश्न है, भाग है। योगी आदित्यनाथ जी बजाते खुद निहायत नेक, ईमानदार और साधु प्रवृत्ति के हैं। दुर्भाग्य से उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो दिखाई तो पड़ते हैं सफेद पोश, लेकिन उसको कहते हैं ना वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, वो भेड़िए हैं। योगी जी के आदेश को फेल करने के लिए उन्होंने कोई कोर कसर छोड़ी नहीं। योगी जी का कोई आदेश अगर उसका पालन होता तो लखनऊ में नाक के नीचे सरेआम दंगे गुंडई होती, नोएडा से लेकर के जो हमारे शो केसेस हैं वहां गुंडई होती, जबरन जमीन वसूल कब्जा किए जाते, जबरन ठेके लिए जाते। इसका तो मतलब यही कि पावर हाउस में बिजली है, बिजली चली लेकिन हमारे आपके घर तक नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि तार काटने वाले बेकरारी से तार काट रहे हैं और बिजली जस की तस वहां की वहीं की वहीं है। मगर रामराज जी का दावा और वादा तो योगी जी ने किया था ना, और अगर इसके बावजूद हालात के कंट्रोल में नहीं है, उनके नौकरशाह उनके कंट्रोल में नहीं है विक्रम जी, तो एक बहुत गंभीर समस्या है। देखिए, जब मुंह में खून लग जाता है तो आसानी से नहीं जाता है। ऊंट बबूल का कांटा खाता है, अब उसका ही खून मुंह में आ रहा है, लेकिन वो समझता किसी दूसरे का खून आ रहा है, उसको चबाता रहता है। यूपी के नौकरशाहों की पुरानी आदत अब जो पड़ चुकी है ऊपरी आमदनी की, वो आसानी से जाने वाली नहीं है। अब ये मौका परमात्मा ने योगी जी को दिया है, कम से कम 5 IAS, 5 IPS, 15 PPS और 100 सिपाही, 10 MLA, 2-3 MP जेल भेज दें, डिसमिस कर दें और उनकी संपत्ति कुर कर दे। मैं समझता हूँ अमर हो जाएंगे योगी जी और उनकी सरकार, अमर हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम जी, हर बार की तरह बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व ADG विक्रम सिंह, जो कि बता रहे थे कि सियासत, गैंगस्टर्स और नौकरशाह और पुलिस वालों के बीच का पाताल लोक लिंक दरअसल है क्या। हम आपको ये भी बता दें कि इससे पहले विकास दुबे से जुड़े 5 लोगों का इनकाउंटर हो चुका है। आज सुबह ही 2 लोगों का इनकाउंटर हुआ, बउआ दुबे और प्रभात मिश्र। मैं आपको बता दूं कि बउआ दुबे, जिस पर जो 50,000 का इनामी गुंडा था और विकास दुबे का खास था, उसे इटावा जिले में मारा गया। पुलिस ये बता रही थी कि वो लोग स्कॉर्पियो में सवार थे और उन्होंने जबरदस्ती एक स्विफ्ट डिजायर को लूटा और उसके बाद पुलिस ने उनका सामना किया। स्विफ्ट डिजायर जो है वो पेड़ से टकरा गई और पुलिस ने उन पर गोलियां चला दी। यही नहीं, आपके सामने प्रभात मिश्र, इसकी तस्वीर, इसे फरीदाबाद में गिरफ्तार किया गया था और
पुलिस का क्या कहना है मैं आपको बताता हूं। पुलिस का यह कहना है कि उनका टायर पंक्चर हो गया था और इस आदमी ने एक पिस्तौल खींची और भागने में कामयाब हुआ। पुलिस ने उसे चुनौती दी और फिर उसे गोली मार दी गई। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, एक शख्स जो डॉन विकास दुबे का साथी रहा है, क्या आप उन्हें हथकड़ियां नहीं लगाते? ये बगैर हथकड़ी के कैसे आप उसे ला रहे थे? और आपका टायर पंक्चर हुआ तो क्या किसी की निगाह इस शख्स पर नहीं थी? आज मैं यह सवाल भी करना चाहता हूं कि विकास दुबे से जुड़े 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है, आखिर क्या जो तमाम लिंक्स थे विकास दुबे और राजनेताओं, विकास दुबे और नाकुरशाहों, विकास दुबे और पुलिस, उन तमाम लिंक्स को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है? क्या इन तमाम सवालों के जवाब हमें नहीं दिए जाने चाहिए? यही नहीं, अमर दुबे जी, हां, कुछ दिनों पहले इस शख्स को भी हमीरपुर जिले में मौत के घाट उतार दिया गया था। अब विकास दुबे जो है वो गिरफ्त में है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसको लेकर सच सामने उभर कर आएगा, क्योंकि आप जानते हैं साल 2001 से इसके राजनीतिक रिश्ते थे। 2001 की इस खबर के मुताबिक उसके रिश्ते भारतीय जनता पार्टी नेता प्रेमलता कटियार से थे। प्रेमलता कटियार के बेटी की मदद इसने की थी। यही नहीं, इसने एक बीजेपी नेता को थाने में घुसकर गोली मारी थी जिनका नाम संतोष शुक्ल था। बाद में दावा भी करता रहा था आज से 2 साल पहले के एक इंटरव्यू में कि वो भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों को जानता है। समाजवादी पार्टी से इसके रिश्ते की बात उभर कर सामने आती रही। यही नहीं, इसने ये भी दावा किया कि वो मायावती को जानता है। तो पिछले 20 सालों से अगर ये शख्स जिंदा था, अगर ये बना हुआ था सिस्टम के अंदर, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसके पॉलिटिकल लिंक्स थे। मगर मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है दोस्तों कि इन लिंक्स की जांच हो पाएगी। न्यूज क्लिक में बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जैसे मैं कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन तक पहुंच जाए। नमस्कार।